छात्रों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि लॉकडाउन के पीरियड में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मदद करी जाएगी, छोटी सी पहल है। देखते हैं छात्र से कितने लाभान्वित हो पाते हैं। हमने पिछले वीडियो में 1 से 50 क्वेश्चन तक का डिस्कशन किया था, एक्सप्लेनेशन दिया था टेस्ट सीरीज 8 का। आज हम टेस्ट सीरीज 8 का 51 से लेकर के 100 तक का 100 तक का क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पावर फॉर्म है? इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। अब इससे जुड़े हुए हम कुछ फैक्ट्स और बताते हैं। पहली बात ये, अभी जो संभाव्यता है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की संभावना भारत में पहला, और दूसरा है गुजरात। लेकिन जिस पवन ऊर्जा के सबसे ज्यादा फर्म है गुजरात में, लेकिन जो मेगावाट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 8,968 मेगावाट की संभावना यहां है तमिलनाडु में, और 6,073 ये है गुजरात में। फार्म ज्यादा जरूर है गुजरात में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर जो है पवन ऊर्जा की क्या स्थिति है, तो वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा के देखेंगे तो नंबर 1 पे चीन हो गया है, चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा जर्मनी और चौथा भारत, यानी भारत का इसमें चौथा स्थान पे आ गया है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। और भारत पूरे विश्व के पवन ऊर्जा का 4.9% उत्पादित करता है, तो विश्व के पवन ऊर्जा का भारत 4.9% उत्पादित करता है। इसके अलावा अगर विश्व के कुल ऊर्जा में अगर पवन का देखेंगे तो 4.4% ये जो है विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में पवन ऊर्जा जो है 4.4% का योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 इसका कि सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर ए होगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। सीमेंट जो है मैंने पिछले क्लास में बताया था उन क्षेत्रों में ही सीमेंट पाई जाएगी जहां विंध्य और कुडप्पा श्रेणियों की चट्टानें मिलती हैं। विंध्यन में क्योंकि इसमें चूना और जिप्सम चाहिए, और चूना और जिप्सम विंध्यन और कुडप्पा श्रेणी की चट्टानों में ही पाई जाती है बहुतायत से। और इसलिए अगर आप गौर करेंगे कि जो इसका क्षेत्र है वो या तो विंध्यन श्रेणी में इसका संकेंद्रण है या कुडप्पा श्रेणी में इसका संकेंद्रण है। तो जैसे बिहार में कैमूर, रोहतास, डालमिया नगर जो है ये विंध्यन श्रेणी की चट्टाने यहां मिलती है, चूना पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है। उसी तरह सतना के आसपास को मध्य प्रदेश जो कि पहले सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, और अगर आप आंध्र प्रदेश की चर्चा करें तो कुडप्पा श्रेणी की सैले बहुत ज्यादा मिलती है, कहीं कहीं विंध्यन में भी ज्यादा कुडप्पा श्रेणी की है। अभी वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ये सीमेंट उत्पादन की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड में
वो इंग्लैंड में जो है, इसकी पहले जो बात हुई थी पोर्टलैंड, पोर्टलैंड खान में इस रंग की खोज हुई थी, ठीक है, और लगभग शायद 1834 में इसकी इंग्लैंड में लीड्स में शायद इसकी खोज हुई थी सीमेंट की। और इसको खोजने वाले जो थे या इसका प्रयोग पहले करने वाले थे जोसेफ एंड डेन जो थे इसके पहले प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट का। भारत में सीमेंट का जो पहला कारखाना है वो 1904 में मद्रास, जो अब चेन्नई हो चुका है, वहां स्थापित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखें, आंसर 52 है। दूसरा हम तीसरे क्वेश्चन पर कर रहे हैं। एक और है कि ध्यान में आ रहा है, हालांकि साइंस से जुड़ा हुआ है, कि सीमेंट जो है वो सीमेंट का उपयोग बहुत ज्यादा प्रदूषणकारी भी है, और बीपीएससी और यूपीएससी में कई तरीके से कई बार पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग से उत्पन्न होने वाले बीमारी को क्या कहता है, इसको कहते हैं सिल्कोसिस। ये साइंस का है, फिर अगर आपको याद आ गया ध्यान से, सिल्कोसिस तो हमने लिखा दिया, सिल्कोसिस बीमारी होती है सीमेंट के प्रदूषण से जो उत्पन्न बीमारी होती है वो सिल्कोसिस। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन हम पढ़ ले। क्वेश्चन है कि हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है। देखिए हिमालय की एक निर्माण प्रक्रिया है और ये पैरेलल हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि हम इसको आंसर देने से पहले हम समझाएंगे, इसे ऐसे आंसर ए होगा, ठीक है, और बृहद हिमालय से मध्य हिमालय के बीच इसका आंसर होगा, बृहद हिमालय से मध्य हिमालय के बीच। लेकिन एक इसकी एक प्रक्रिया है, इओसीन से ओलिगेसीन, ओलिगेसीन काल में जो है बृहद हिमालय का निर्माण, बृहद हिमालय का निर्माण, ठीक है। उसके बाद मायोसीन काल में इसके भ्रंशन से ठीक उसके पहले हिमालय के पहले जो है वो मध्य हिमालय बना मायोसीन काल में। और इस दोनों के मलबे से या इसके निक्षेप से, इन दोनों के अपरदन के निक्षेप से या मलबे या निक्षेप से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, ये प्लायोसीन काल में ये निर्माण की प्रक्रिया। और हमने कल बताया था आपको कि शिवालिक के बाद फिर भाबर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, वो क्रमबद्ध रूप से आपको जोड़ लीजिएगा। दूसरा है कि हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया में एक कुछ सिद्धांत है, एक तो है कोवर की भूसंधि सिद्धांत, उनका कहना था कि उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड के बीच में ये भूसंधि देशी सागर हुआ करता था, उसके सकुरन से वो उठते गया है। एक लेकिन बहुत उसकी कंप्लीट मान्यता नहीं है, लेकिन हैरी हेस की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसकी मानता है, उसमें कहा गया है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट है वो उत्तर पूर्व में घिसक रहा था, और क्योंकि और यूरेशियाई प्लेट्स के अंदर चला गया, क्योंकि हेवी प्लेट है तो जो प्लेट्स जो है वो ध्रुवंता मंडल फ्लोट करती रहती है, तो वो प्लेट हैवी है, लिक्विड है ध्रुवंता मंडल, तो उसमें वो अंदर चली गई और ऊपर चला गया, तो उसमें जो बीच का जो सेव हुआ ये उठते उठते ये उड़ा है, और ये उठने की प्रक्रिया भी क्योंकि प्लेट्स अंदर जा रही है, प्लेट ऊपर उठ रहा है, प्लेट अंदर जा रही है, तो ये उठने की प्रक्रिया क्रम जारी है, और तत्व खिसकने की भी प्रक्रिया जारी है।
तो हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में एक और चीज में ध्यान रखिएगा कि ये तेथी सागर के हिमालय के निर्माण के बाद जो जो तेथी सागर के जो मलबे थे हिमालय यहां से जो प्लेट्स के जो अभिसरण जो ये हुआ ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका जो मलबा और तेथी सागर का उसी मलबे से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है और इस कारण उत्तर भारत का मैदान काफी फर्टाइल है क्योंकि वो सागर के फ्लोरा एंड फौना से बना हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, निम्न में से कौन सा भारत में लोहा का इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? वर्तमान में आप इसका आंसर लिख लीजिए 54A भिलाई। इसका आंसर हो गया भिलाई। 55 क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर होगा डी 10.7। 55 का डी आंसर होगा 10.7% में विस्तार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। तो सॉरी, इससे पहले 56 56 का आंसर क्वेश्चन था भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावित किस तट को मानता है? भारत में ज्वार शक्ति 56, इसका आंसर होगा डी यानी गुजरात। भारत में ज्वार शक्ति का सबसे ज्यादा संभावना गुजरात तट पे है और गुजरात तट में अगर स्पेसिफिक और परीक्षा पूछा जाएगा गुजरात तट ना देकर के तो आप याद रखिएगा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये आंसर रखिएगा। और इसी में अगर स्पेसिफिक हो जाए तो जगह का नाम होगा तो हो जाएगा वो भावनगर। तीन क्वेश्चन बन गए, अगर गुजरात स्टेट देगा गुजरात एरिया देगा तो खंबात खाड़ी, जगह देगा तो भावनगर के आसपास का। ये 56 का डी। अब आइए 57 की, 57 क्वेश्चन का था ये कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? दैट इज नामचा बरवा। नामचा बरवा ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 57 का ए नामचा बरवा। ये कंचनजंगा से भी पूर्व में नामचा बरवा, नामचा बरवा ये सबसे ये हो गया। उसके बाद है 58 क्वेश्चन, ये रिपीट है, नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच पाल घाट स्थित है, यानी 58 का बी पाल घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, भारत में एक स्थान जहां टीन पाया जाता है, इसका भी आंसर ए होगा, 59 का ए, सॉरी ये 59 का सी हो, 59 का सी, ये बस्तर है छत्तीसगढ़ में, बस्तर छत्तीसगढ़ देख लीजिएगा, सी बस्तर छत्तीसगढ़, ये एकमात्र जगह है जहां पे टीन का उत्पादन उत्पन्न होता है, लेकिन ये भारत स्तर पूछा जाएगा कि एकमात्र स्थल आप बस्तर छत्तीसगढ़ दे सकते हैं, लेकिन बिहार का स्तर पूछा जाएगा तो बिहार में एक जगह है जहां टीन पाया जाता है दैट इज गया। बिहार में गया में जो है टीन पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार के संदर्भ में भारत संदर्भ में तो एकमात्र बोल रहा है तो वो क्वेश्चन आएगा नहीं, बिहार टीन का कहां उत्थान होता है तो आप मान लीजिएगा गया। 60वां क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा मध्य प्रदेश, सी होगा मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन है कि इंदिरापुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त किससे जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश। अब 61 क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ चतुर्भुज परियोजना का अंग है? इसका आंसर सी NH2 होगा, 61 का सी
NH2, ठीक है, इसमें बहुत कुछ समझाने की है नहीं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक प्रवर्तित होती है, सारी जलवायु मिलती है, तो इसका वार्षिक ऋतु का डी होगा नामदफा। नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका आंसर नेशनल पार्क हुआ। 63 क्वेश्चन है, भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। भारत में चावल कटोरे का नाम क्षेत्र बताइए, तो ये आंसर इसका होगा बी, इसका आंसर होगा बी, कृष्णा गोदावरी। कृष्णा गोदावरी जो है ये हो जाएगा, इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर बिहार से पूछेगा तो याद रखिएगा, बिहार में चावल के कटोरा कहा जाता है भोजपुर को। भोजपुर को माने भारत में, और ये बिहार में चावल का कटोरा किसको कहा जाएगा, भोजपुर को। ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चावल शोध संस्थान जो है भारत के स्तर पे अगर आप देख लेंगे तो कटक में है, वैश्विक स्तर पर मनीला में राइस इंस्टीट्यूट, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है 64 क्वेश्चन, भारत के मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो 64 का जो आंसर होगा अपटक। भारत में सबसे ज्यादा जो है वो मत्स्य उत्पादन का अपटक, अपटक मतलब हुआ समुद्री क्षेत्र, इस बम्बे के केरल के आसपास में जो समुद्री क्षेत्र है, बम्बई के आप विशेषकर आप कह सकते हैं पश्चिमी अपतट पे, पश्चिमी अपतट पे यानी केरल से महाराष्ट्र का जो एरिया है उस एरिया में सबसे ज्यादा मछली पाया जाता है मत्स्य उत्पादन। तो अगर आप समुद्री एरिया में देखेंगे तो पहला हो जाएगा केरल और दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, और अगर स्वच्छ जल में देखेंगे तो पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था तो आंध्र प्रदेश हो गया है, और दूसरा पश्चिम बंगाल, और तीसरा हमारा बिहार, ये हो गया इसका आंसर अब तक। वैसे मत्स्य का पूरा अगर ऑर्डर देंगे तो केरल को जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक टॉप क्वेश्चन है, सॉरी क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। अब हम देखेंगे 65, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप ये रखिए कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपातिबंधी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ये जो है 41.87% पे, और दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसका जो है वो हो जाएगा 19.73%, इसको ध्यान रखिएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब कुछ मिटाना पड़ेगा फिर हम आगे देखते। अगला जो क्वेश्चन है 66, शिवराय पहाड़ी कहां स्थित है, ये तमिलनाडु में, आप लिख लीजिए 66 का डी, शिवराय पहाड़ी कहां है, तो तमिलनाडु में है शिवराय पहाड़ी, तमिलनाडु में है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाता है, तो टॉप स्लिप के नाम से जाता है डी आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है इसको टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। 68 क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह के हैं, अधिकांश जो भारतीय हैं वो काकेशियाई समूह के हैं, काकेशियाई समूह के हैं, ये समूह जो है सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें तीन समूह आ जाते हैं काकेशियाई समूह में, एक अल्पाइन भी आते हैं, भूमध्य सागरीय भी आ जाते हैं और नॉर्डिक भी आ जाते हैं,
इतना ये तीनों मिला करके जो है सबसे ज्यादा है अल्पाइन भूमध्यसागरीय ये बाकी एशियाई समूह में आते हैं। और ये याद रखिएगा कि पूरे विश्व में 50% पे जो है वो काकेशियाई समूह है। काकेशियाई जो है सो काकेशियाई पर्वत यूरोप से संदर्भ के ये माना जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वत पाए जाते हैं, दैट इज नीलगिरी पहाड़ियां। आंसर हो जाएगा 69 का ए नीलगिरी पहाड़ियां। अब हम 70 देखते हैं, 70 मैचिंग है, इसका हो जाएगा डक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस अतिनूतन है। देख लीजिएगा बी आंसर होगा इसका, पश्चिमी भाग उत्तर नूतन, अरावली पीढ़ी कैम्बेरियन और नाबदीप का अत्यंत नूतन, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, ए आ जाएगा आंसर, मालवा का पठार 71 ए। 72 है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, यह धौलागढ़ तथा पीर पंजाल, इसका आंसर हो जाएगा ए, धौलागढ़ और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अब हम 73 देखते हैं, राम सेतु शुरू होता है कहां, तो ये धनुषकोटी से, इसका आंसर हो जाएगा ए 73 का ए, ये धनुषकोटी, धनुषकोटी से यह शुरू होता है। फिर है दंडकारण्य में इंद्रावती सबसे और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश सॉरी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे तीनों जगह है, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे ये गोदावरी की सहायक नदी है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 74 का जो है वो आंसर हो जाएगा बी, 74 का बी। अब आइए 75 का क्वेश्चन है, में कौन सी वायुमंडलीय भारतीय ग्रीष्म मानसून से संबंधित है, ये सभी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्क्रीन ITC जेट की सपना तिब्बती उच्च और लालीना, लालीना एक जैसे अलिनो गर्म हवा है तो लालीना ठंडी हवा है जिसके कारण जो है सो हिंद महासागर क्षेत्र और ज्यादा ठंडा रहता है। जिस साल लालीनो आता है उस साल बहुत घनघोर बारिश होती है। ITCZ जो हम सबसे प्रमाणिक मानता है जो भारत में जो लो प्रेशर हाई प्रेशर की बात है, जिसे अगर आप देखेंगे तो मानसून के क्षेत्र में जो सिंध महासागर जो आती है तो इधर का जो क्षेत्र होता है वो हाई प्रेशर का होता है। हाई प्रेशर मतलब ठंडा और लो प्रेशर मतलब हल्का मतलब गर्म नीच के क्षेत्र है, तो यहाँ से मूव करती है और ऐसे दो, एक होगी अरब सागर की शाखा और एक हुई बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसी तरीके से आता है जिसमें बहुत ज्यादा मानसून से संबंधित चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे इधर अरब सागर की शाखा में पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा घनघोर बारिश करती है, पूर्वी जो घाट है वो विस्तृत छाया का क्षेत्र बन जाता है तो पैरल निकल जाती है। और लेकिन बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, हिंद महासागर का जो जो हाई प्रेशर का बेल्ट है वो मॉइस्चर पहले से ही होता है और फिर जो है बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर ले लेता है और यहाँ कोई बैरियर नहीं है इसको, तो और यहाँ जाकर के जब नॉर्थ ईस्ट पहुंचता है तो यहाँ जो मेघालय का पठार का जो आसपास का क्षेत्र एरिया है वो कीपाकार है, वो कीपाकार आकृति है। तो इस तरह की आकृति है, इस कारण ये जो हवाएं टकरा करके घनघोर बारिश करती है और कीपाकार आकृति के कारण बाहर जल्दी निकलने नहीं देती है, इसका कहा था 1200 सेंटीमीटर के लगभग में यहाँ मेघालय वर्षा होती है। ठीक है, इस मशीनराम में उस चीज को वर्षा होती है, इस पर हम कभी डिटेल से क्लास लेंगे ज्योग्राफी के जुड़े हुए मानसून पर जलवायु पर फिर पैसिफिक जलवायु भारत की जलवायु इस सब पर हम लेंगे अलग से ज्योग्राफी क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की धार्मिक जनगणना संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, तो सबसे कम लिंगानुपात है सिख, 76 का बी सिख हो जाएगा। और अगला है 77 कि भारत
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या है, तो अनुसूचित जाति जो है परसेंटाइल के रूप में अगर कहा जाए तो सी आंसर हो जाएगा इसका पंजाब, पंजाब और लक्षद्वीप, पंजाब और लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा 78। हम देखते हैं तो वृक्षारित क्षेत्र सर्वाधिक कहां है, ए आंसर हो जाएगा पूर्वी दक्कन, पूर्वी दक्कन 79 हो जाएगा। क्वेश्चन कहा है कि अपने प्रदूषक काल में कौन सी नदी जैविक प्रदूषण कराती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दामोदर, 79 सी दामोदर, दामोदर ये जैविक प्रदूषण कराती है, ये हुगली की सहायक नदी है और दामोदर घाटी में ही भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना स्थापित हुई थी 1948 में शुरू की गई थी, जिसको पंडित नेहरू ने बहुदेशीय परियोजनाओं को आर्थिक मंदिर की उपाधि दी थी। और जो बहुदेशीय परियोजना दामोदर घाटी में स्थापित की गई थी वो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रभावित थी, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा आंसर। इस संदर्भ में थोड़ा आप समझाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको देने के लिए समय लगेगा, ये आप एक वस्तु मान के रखते हैं। तो इसको कहते हैं पश्चिमी तट का एक किनारा, पश्चिमी तट का किनारा, और इसको कहते हैं पूर्वी तट का किनारा, पूर्वी तट का किनारा आप मान के रखें, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा समझाने की। तो पश्चिमी तट यहां जो मूव करता है सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात से जो दमन जो है वो क्षेत्र जो है उसको कहते हैं गुजरात तट, ठीक है, और दमन से जो गोवा है, दमन से जो गोवा है उसको कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, दमन से गोवा कोंकण तट, और फिर गोवा से जो मैंगलोर है, गोवा से जो मंगलौर है इसको कहते हैं कनारा तट। ये बराबर पूछता है आप याद रखिएगा, कोंकण गुजरात तट, कोंकण तट, कनारा तट और मंगलौर, उससे जब नीचे तो मंगलौर से कन्याकुमारी, ठीक है, तो ये हो गया मालाबार तट, ये हो गया मालाबार तट, ये केरल का एरिया है, मालाबार तट मसाले के लिए प्रसिद्ध है और लेटराइट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक से केरल के जो बीच जो ये है। अगर आप इधर से ले लेते हैं तो ऊपर में अगर आता है तो उत्कल, उस उड़ीसा के पास उत्कल जो है उत्कल तट, उसके बाद उत्तरी सरकार, ये उड़ीसा से उत्कल, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में हो गया, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में उत्कल, फिर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में ये हो गया आपको काकीनाडा, काकीनाडा या उत्तरी सरकार, उससे जो नीचे हो गया वो अगर आप उससे नीचे आएंगे तो इसी को कहते हैं कोरोमंडल तट, यानी आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु का क्षेत्र है, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु से नीचे जो लास्ट में ये हो गया कोरोमंडल तट। ये तट वाला चीज आप याद रखिए, बराबर पूछा जाता है पश्चिमी तट, पूर्वी तट, यहां गुजरात से दमन हो गया गुजरात तट, दमन से गोवा ये हो गया कोंकण तट, गोवा से मंगलौर कनारा तट, मंगलौर से ये तट, ठीक है, इसी तरह या उत्तर, फिर काकीनाडा या उत्तरी सरकार तट, फिर कोरोमंडल तट, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर हम अगला आगे देखते हैं, बताना पड़ेगा अब हम क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 81 ये क्वेश्चन है कि बागतोरा हिमनद स्थित है, ये काराकोरम में है, काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी ये जो है ट्रांस हिमालय का है, ये क्षेत्र ट्रांस हिमालय का है काराकोरम, और इसमें याद रखिएगा एक और है श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में
क्या हो, सियाचिन है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आपको याद ही है 1982 से यहाँ पे जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बना हुआ। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है, तो ये एक इच्छुक का हो जाएगा ए भील, ये हो गया भील। उसके बाद 83 है, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई, तो ये रूस के सहयोग से, इसमें कोई फैक्चुअल है कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। 83 डी रूस। 84 भारतीय दलन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये भी इसका जानते ही होगा, पॉपुलर क्वेश्चन है, कानपुर। इसके बाद 85 हो गया, कृषि वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, ये झांसी में है, ये झांसी में है। 86 है, हंगरी सहायक नदी है, ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तो ये हो गया तुंगभद्रा की सहायक नदी है, डी आंसर हो गया। 87 है, वैश्विक कपास उत्पादन भारत का हिस्सा कितना है, लगभग ए 1/3 है, चीन के बाद जो है वो भारत दूसरे स्थान पे है ना, दूसरे स्थान पे है। उसके बाद सबसे बड़ा मानव निर्मित झील आपको पता है, 88 ये भाखड़ा गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील जो भाखड़ा नगर पर है, ठीक है। और फिर 88 हो गया, फिर 89 भारत एवं म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पर्वत है, तो पटकाई भूम है, 89 का हो गया आपको ए पटकाई भूम। गंगा का मैदान का जलवायु कॉपी अनुसार है, 90 का हो जाएगा ए सी डब्ल्यू जी। अब हम ये जो जलवायु का जो वर्गीकरण बताएंगे उसमें आपको डिटेल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। फिर हम 91 का अगर देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सही है। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, निश्चित से ये भी सही है। इसका नाम जोग का गढ़सोप्पा नाम भी होता है, उसके बाद महात्मा गांधी भी होता है, उसके बाद सराबुद्दी ये गढ़सोप्पा जलप्रपात भी कहता है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहता है, और ये सरावती नदी पर है। वैसे आयतन की दृष्टि से शिव समुद्रम को सबसे बड़ा जलप्रपात है, आयतन की दृष्टि से, ऊंचाई की दृष्टि से वो जोगी है। चेरापुंजी भारत का सबसे नम स्थान है, ये गलत है, क्योंकि अब हो गया है इसका आंसर हो जाएगा सी मसीनराम इसका सबसे ये हो जाएगा, और डक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार, ये सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मैं कि टू क्वेश्चन था उसमें भी अगर आप देखेंगे, गुजरात की समुद्र तट रेखा भारत सबसे लंबी तट रेखा सही है, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर सही है, कर बुद्धे भारत की सबसे लंबी सुरंग ये भी सही है, और कोवलम भारत का सबसे लंबा तो गलत है, 92 का डी। 93 जो है इसमें इसका आंसर ई होगा, इसको बता देते हैं कि ये एक जो है सो क्रिटेशियस जो होता है डक्कन ट्रैप में होता है, क्रिटेशियस और डक्कन ट्रैप होता है, विंध विंध जो है सो वो कुडप्पा विंध हो गया, ग्वालियर शैली कुडप्पा हो गया, पलानी और लालवाड़ो चिपबिल कोई भी मिल नहीं रहा था इसमें, तो इसका आंसर हो गया ई। 94 का भी आंसर ई है, 94 का आंसर ई है, तो 94 का आंसर ई है। इसमें ए पहला है बुमला, ये जो है बुमला, ये बुमला जो है ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच जो है, या तिब्बत के से मैं तिब्बत में लहासा को जोड़ती है, ठीक है, ये बुमला। उसके बाद दूसरा है खारदुगला ये जो है जम्मू कश्मीर में आपको खैर अलग कर सकते हैं, ये ले से सियाचिन को जोड़ती है, ले से सियाचिन
ले से सियाचिन को जोड़ने का जो ले से सियाचिन तो मार्ग है वो खारदुल्ला दर्रा से ही जाता है। फिर है नाथुला, नाथुला जो है यह सिक्किम से तिब्बत, सिक्किम से तिब्बत हो गया और ये जो है 2006 में वाजपेयी जी 2006 में यहाँ से जो व्यापारिक मार्ग खोला था चीन ने, 2006 में व्यापारिक मार्ग चीन ने खोल दिया था। फिर से देखेंगे बुंगला, पता नहीं मोबाइल में कट गया होगा, मुझे ध्यान भी नहीं है क्योंकि मैं सामने मोबाइल रख कर करके आपको बता रहा हूँ, तो फिर से इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कट गया होगा तो मैं, मुझे पता नहीं है। बुमला अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत ल्हासा, खारदुंगला जम्मू कश्मीर में है, ले से सियाचिन, लाथुला सिक्किम से तिब्बत, यहाँ व्यापारिक मार्ग खुला हुआ था, और सिक्किला या शिमला से, सिक्किला ये शिमला से भी तिब्बत हो जाएगा। तो ये 94 इसका कोई भी नहीं मिल रहा था, इसका आंसर ई है 94 का। और एक बार और बता देते हैं लास्ट, अच्छा अब हम 95 देखें, या इसमें दो मिला हुआ है, जैसे चिनाब, चिनाब जो है इसका भी आंसर ई होगा, चिनाब जो है वो सही है, बारालाचा ठीक है, चिनाब जो है बारालाचा से है। उसके बाद है झेलम, एक्चुअली झेलम जो है पिछले में था वो बेरीनाग से है निकलती है स्रोत है। उसके बाद रावी, वो पिछले पहले पिछले क्वेश्चन में भी रोहतांग दर्रा, ये सही है ठीक है, यहाँ बेरीनाग हुआ ये गलत वाला था। और सकलर ये जो है ये राकस ताल होगा, राकस ताल ये भी गलत था, यानी ये दोनों सही था और ये गलत था, जो हमने सही कर दिया, झेलम हो गया, बेरीनाग सकलर हो गया, राकस ताल। पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट ना तो पर्वत है ना पठारी है ना पहाड़ी है, ये कहता है प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का कगार है ठीक है ना। तो 97 का बी आंसर हो जाएगा, ये क्या है प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है ठीक है। तो 96 का ई, 97 का बी, यह क्या है सॉरी 95 का ई था, 96 है ये पश्चिमी घाट क्या है प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है, प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। 97 भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था, तो तेथी सागर, जैसे मैंने कहा हिमालय की उत्पत्ति के नाम संदर्भ में ठीक है। तो 97 का ए तेथी सागर। फिर हो गया 98 जो है थोरियम का उच्चतम भंडार कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ये ध्यान में रखिएगा, अब केरल नहीं मानना है, थोरियम का उच्चतम भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और 99 का ए हो जाएगा भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और दसवां हो जाएगा 100 का हो जाएगा बी चित्रकूट। धन्यवाद आज के लिए, कल हम दूसरी प्रोग्राम देंगे।